ओम शांति। 27 सितंबर 2022, आज की अव्यक्त मुरली। बाबा के महावाक्य शांति में बैठकर सुनेंगे और आत्मसात कर लेंगे। बाबा कहते हैं, जिन आत्माओं ने विद्या अर्थात ज्ञान धारण करने की शक्ति संपूर्ण रूप से धारण की है, तो ज्ञान अर्थात नॉलेज की शक्ति का यादगार सरस्वती के रूप में गाया जाता है। ये वाणी 16 जून 1977 से उच्चारित है। विचार सागर मंथन करो, हलचल का मंथन ना करो। जो शक्ति ली है उसको प्रत्यक्ष में लाओ। भारत माता शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। सन शोज फादर, ड्रामा की नून कराएगी। ये वाणी 21 जनवरी 1969 से उच्चारित है। बाबा कहते हैं, सिर्फ ब्रह्मचारी बनना यह पवित्रता नहीं, लेकिन पवित्रता का संपूर्ण रूप है ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्माचारी बनना। ब्रह्माचारी अर्थात ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले, जिसको फॉलो फादर कहा जाता है, क्योंकि फॉलो फादर बाप को करना है, शिव बाप के समान स्थिति में बनना है, लेकिन आचरण व कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है, हर कदम में ब्रह्मचारी। ये वाणी 20 फरवरी 1987 की रिवाइज मुरली से उच्चारित है। बाबा कहते हैं, जब आध्यात्मिक शक्ति वाली सेमी प्योर अर्ध पवित्र आत्माएं अपनी साधना द्वारा आत्माओं का आवाहन कर सकती हैं, अल्पकाल के साधनों द्वारा दूर बैठी हुई आत्माओं को चमत्कार दिखाकर अपनी तरफ आकर्षित कर सकती हैं, तो परमात्मा शक्ति अर्थात सर्वश्रेष्ठ शक्ति क्या नहीं कर सकती, जो चाहे वह कर सकती है। ये वाणी 26 जनवरी 1977 से उच्चारित है। बाबा कहते हैं, सदा शक्तिशाली आत्माएं सिर्फ चिंतन और वर्णन नहीं करते, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप बन जाते। स्वरूप बनना अर्थात समर्थ बनना। उनके हर कदम हर कर्म स्वतः ही शक्तिशाली होते हैं, समृद्धि स्वरूप है, इसलिए सदा शक्तिशाली स्थिति है। शक्तिशाली आत्मा सदा अपने को सर्वशक्तिवान बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करेगी और सदा श्रीमत का हाथ छत्र छाया के रूप में अनुभव होगा। शक्तिशाली आत्मा सदा दृढ़ता की चाबी के अधिकारी होने के कारण सफलता के खजाने के मालिक अनुभव करते हैं। सदा सर्व प्राप्तियों के झूलों में झूलते रहते हैं, सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के मन में गीत गाते रहते हैं, सदा रूहानी नशे में होने कारण पुरानी दुनिया के आकर्षण से सहज परे रहते हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। शक्तिशाली आत्मा का हर कर्म बोल स्वतः और सहज सेवा करता रहता है। स्व परिवर्तन व विश्व परिवर्तन शक्तिशाली होने के कारण सफलता हुई पड़ी है, यह अनुभव सदा ही रहता है। किसी भी कार्य में क्या करें क्या होगा, यह संकल्प मात्र भी नहीं होगा। सफलता की माला सदा जीवन में पड़ी हुई है। विजयी हूँ, विजय माला का हूँ, विजय जन्मसिद्ध अधिकार है, यह अटल निश्चय स्वतः और सदा रहता ही है, समझा। अब अपने आप से पूछो, मैं कौन। शक्तिशाली आत्माएं मॉडर्निटी हैं, स्नेही सहयोगी उसमें भी भिन्न भिन्न वैरायटी वाले मेजॉरिटी हैं, तो अब क्या करेंगे। शक्तिशाली बनो, संगम युग का श्रेष्ठ सुख अनुभव करो, समझा। सिर्फ जानने वाले नहीं पाने वाले बनो। ये वाणी 15 अप्रैल 1984 से उच्चारित है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।